हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं वर्षा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैनोपी सिटिंग कॉर्नर। इस सिटिंग कॉर्नर को बनाने में आपको बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरीके का बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैनोपी सिटिंग कॉर्नर ईजिली अपने घर पर क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि ये ब्यूटीफुल कलरफुल कैनोपी सिटिंग कॉर्नर का आइडिया आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल कैनोपी सिटिंग कॉर्नर के वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैनोपी सिटिंग कॉर्नर, जिसे मैंने बहुत ही कम चीज़ों के साथ क्रिएट किया है और आप भी इस तरीके का ब्यूटीफुल सा कैनोपी घर पे इजीली क्रिएट कर सकती हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि कैनोपी सिटिंग कॉर्नर का ये आइडिया आपको पसंद आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस कैनोपी सिटिंग कॉर्नर को बनाना। तो मेरे घर का ये एक कॉर्नर है जहाँ पर हम बनाएंगे हमारी कैनोपी को। तो सबसे पहले नीचे मैंने एक रग को बिछा दिया है और यहाँ पर आपके पास कोई भी रग अवेलेबल हो, अगर कलरफुल रग है तो आप उसे नीचे बिछा दीजिए, जिससे कि और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। और इस विंडो के ऊपर एक कर्टन रोड लगी हुई है जिसके ऊपर हम हमारी कैनोपी को हैंग करेंगे। अगर आपके पास भी इस तरीके की कोई विंडो है तो आप उसके ऊपर कर्टन रोड जो लगी हुई है उसके नीचे ही ईजिली कैनोपी को हैंग कर सकती हैं, और अगर नहीं है तो आप किसी को इंसर्ट करके भी कैनोपी को हैंग कर सकती हैं। तो देखिए, इस कर्टन रोड के ऊपर हम हमारे कैनोपी के कर्टन को हैंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो रग को बिछाया था उसके ऊपर मैंने गद्दा बिछाकर उसके ऊपर एक बेडशीट लगा दी है जिसके ऊपर हम हमारी कैनोपी को हैंग कर लेंगे। तो यहाँ पर कैनोपी को बनाने के लिए मेरे पास एक टिश्यू का फैब्रिक रखा हुआ था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये पीचिश कलर का फैब्रिक है। इसकी एक साइड पर मैंने ये पोम-पोम लेस लगा दी है जिससे कि इसका लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। अब इस कैनोपी के कर्टन को हम एक रिंग में इंसर्ट करके हैंग करेंगे। अगर आपके पास इस तरीके की मेटल रिंग नहीं है तो आप यहाँ पर किसी बैंगल का भी यूज़ कर सकती हैं या फिर डायरेक्टली आप इस कर्टन रोड में भी इस कैनोपी को हैंग कर सकती हैं। तो यहाँ पर बीचों बीच मैंने इस तरीके के रिंग को लगा कर के इस कैनोपी को इस कर्टन रोड के ऊपर इस रिंग की हेल्प से हैंग कर लिया है। अब हमने जो गद्दा बिछाया था उसके दोनों साइड से फोल्ड करते हुए इस तरीके से इस कैनोपी को एक शेप दे दिया है और इसके अंदर थोड़े से हम कुशन डाल देंगे। यहाँ पर मैंने ये बटरफ्लाई कुशन्स बनाए हैं जो कि बहुत ही इजीली घर पे आप बना सकती हैं। इसका DIY मैंने पहले भी शेयर किया है और अगर आप इसे बनाना देखना चाहती हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। अब यहाँ पर इन दोनों वॉल्स में थोड़े कलर्स ऐड करने के लिए मैंने ये दो बहुत ही ब्यूटीफुल से वॉल आर्ट बनाए हैं जिसे मैंने वेस्ट कार्डबोर्ड को लेकर बनाया है। आप इस तरीके के वॉल आर्ट को कहीं पर भी स्टिक कर सकती हैं। ये कार्डबोर्ड से बनाए हैं तो ईजिली आप इन्हें सेलो टेप की हेल्प से स्टिक कर सकती हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि हमने ये ब्यूटीफुल से वॉल आर्ट किस तरह से बनाए हैं। यहाँ पर मैं ये शेयर करूँगी कि ये दोनों वॉल आर्ट आप किस तरीके से ईजिली बना सकती हैं। कैनोपी के दोनों वॉल पर मैंने ये वॉल आर्ट को स्टिक किया है जिनमें मैंने काफ़ी सारे कलर्स का यूज़ किया है। और इसे बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने ये तीन बॉटल शेप के कार्डबोर्ड कटआउट्स लिए हैं और इनके ऊपर मैं चार्ट पेपर को स्टिक कर लूँगी। तो यहाँ पर तीनों कटआउट्स के ऊपर फेविकोल लगाते हुए मैंने इन चार्ट पेपर्स को स्टिक कर लिया है और अब इन तीनों शेप्स के ऊपर मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कर दिए हैं जिससे कि काफ़ी ज़्यादा कलर्स ऐड होंगे हमारे वॉल आर्ट में। आप चाहें तो इनके कलर कॉम्बिनेशंस को अपने अकॉर्डिंग, अपने रूम के अकॉर्डिंग या फिर आप जो कैनोपी बना रहे हैं उसके कलर कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग भी रख सकती हैं। यहाँ पर मैंने तीनों के कलर्स को डिफरेंट रखा है जिससे कि हम इस वॉल आर्ट को किसी और वॉल पर भी स्टिक कर सकते हैं जिससे कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल लगेंगे। तो यहाँ पर तीनों को कलर करने के बाद मैंने इन तीनों के बीच में ये ब्यूटीफुल से मैसेजेस लिख दिए हैं। इन तीनों कार्डबोर्ड पीसेस के ऊपर ये ब्यूटीफुल से मैसेजेस को लिखने के बाद मैंने इनके बीच में 3D आउटलाइनर कोन से थोड़े से डॉट्स लगा दिए हैं जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और ब्यूटीफुल लगेंगे। अब इन्हें
कंप्लीट करने के लिए मैंने इनकी नेक पर जूट थ्रेड को टाई करते हुए इनके बीच में थोड़ी सी आर्टिफिशियल लीव्स लगा दी हैं, जिससे कि इनका एक वास जैसा लुक आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। और देखिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारा वेस्ट कार्डबोर्ड को लेकर बनाया गया है ये बहुत ही कलरफुल और ब्यूटीफुल वॉल आर्ट, जिसे आप अपने पास रखे वेस्ट कार्डबोर्ड से ईजिली क्रिएट कर सकती हैं। नेक्स्ट वॉल आर्ट मैंने बनाया है राउंड कार्डबोर्ड कटआउट्स को लेकर। यहाँ पर मैंने 3 राउंड कटआउट्स लिए हैं और इनके ऊपर चार्ट पेपर को स्टिक कर दिया है। इस तरीके के राउंड वॉल आर्ट अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। जनरली ये प्लेट्स पर बनाए जाते हैं, लेकिन हमने इन्हें बजट में बनाया है। आपके पास वेस्ट कार्डबोर्ड रखा हो तो आप इसे राउंड में कट कर लीजिए और उसके ऊपर चार्ट पेपर को स्टिक करने के बाद उसके ऊपर ब्राइट और ब्यूटीफुल पेंटिंग कर लीजिए, जिससे कि इनका लुक प्लेट जैसा ही आता है और ये बहुत ही ट्रेंडी और स्टाइलिश लगते हैं। यहाँ पर आप इनकी पेंटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग सकती हैं। मैंने इन्हें बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल रखा है, जिससे कि इनका लुक बहुत ही ज्यादा सुंदर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर एक कार्डबोर्ड कटआउट के ऊपर मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर्स बना लिए हैं और देखिए कितने ज़्यादा प्रीटी लग रहे हैं। यहाँ पर इसे कंप्लीट करने के लिए मैंने इसके बीच में ब्लैक कलर से गैप को फिल करते हुए इसके अंदर ये डॉट्स लगा दिए हैं और ये ब्यूटीफुल सी प्लेट को रेडी कर लिया है। इसी तरीके से मैंने दो और प्लेट पर ये बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही ब्यूटीफुल सी पेंटिंग कर ली है। इनके ऊपर आप पेंटिंग अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कर सकती हैं या फिर जो भी आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप इन प्लेट्स के ऊपर पेंटिंग कर लें और इस तरीके से ब्यूटीफुल से वॉल आर्ट को आप इजीली क्रिएट कर सकती हैं। फ्रेंड्स, कार्डबोर्ड के इन दोनों वॉल आर्ट्स को मैंने कैनोपी की दोनों साइड्स की वॉल पर लगाने के लिए बनाया है। आप चाहें तो इन वॉल आर्ट को अपने लिविंग रूम में, अपनी बालकनी में या फिर किसी भी वॉल पर स्टिक करेंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी और स्टाइलिश लगेंगे और इन्हें बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बहुत ही कम बजट में आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल और स्टाइलिश वॉल आर्ट घर पर ईजिली क्रिएट कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने तीनों प्लेट्स पर इस तरीके की ये पेंटिंग करते हुए इस वॉल आर्ट को भी कम्प्लीट कर लिया है। इस तरीके के वॉल आर्ट बजट फ्रेंडली तो होते ही हैं, ये रेंटल फ्रेंडली भी होते हैं। इसे स्टिक करने के लिए आपको किसी भी नेल की ज़रूरत नहीं होती है। ये वेट में बहुत ही लाइट होते हैं क्योंकि हमने इसे वेस्ट कार्डबोर्ड को लेकर बनाया है। तो आप इसे इजीली सेलो टेप से स्टिक कर सकती हैं या फिर डबल साइडेड टेप से भी ईजिली स्टिक कर सकती हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमने हमारे दोनों वॉल आर्ट को कम्प्लीट कर लिया है वेस्ट कार्डबोर्ड की हेल्प से। ये बहुत ही ब्यूटीफुल से वॉल आर्ट कम्प्लीट हो गए हैं और हमने जो कैनोपी का कॉर्नर बनाया है उसकी दोनों साइड की जो वॉल थी वो काफ़ी ज़्यादा प्लेन थी, तो मैंने दोनों साइड ये वॉल आर्ट को स्टिक कर दिया है, जिससे कि इस कैनोपी की दोनों वॉल्स पर बहुत ही ब्राइट और ब्यूटीफुल से कलर शेड हो गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि ये DIY आपको पसंद आएगा। तो वॉल आर्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस कॉर्नर को कंप्लीट करेंगे थोड़े से प्लांट्स के साथ। आपके पास जो भी प्लांट्स अवेलेबल हो आप उसे इस कैनोपी के दोनों साइड पर रख दीजिए। प्लांट्स किसी भी कॉर्नर को पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, बहुत ही लाइवली बना देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स का यूज़ किया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है इस कैनोपी के दोनों साइड पर। आपके पास जो भी प्लांट्स हो या फिर आर्टिफिशियल प्लांट्स का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकती हैं। अब इस कैनोपी के आगे मैं रख रही हूँ एक छोटी सी क्यूट सी टेबल जो कि मैंने अभी
DIY करके बनाई हैं। इसका DIY आप मेरे आने वाले वीडियोस में देख पाएंगे। एक वेस्ट डिस्कार्टेड बॉक्स को लेकर मैंने ये ब्यूटीफुल सी टेबल बनाई है, जिस पर आप अपने चाय का मग या फिर कुछ भी डेकोरेटिव पीसेस रख सकती हैं। इसके ऊपर मैंने ये ब्यूटीफुल सा लाफिंग बुद्धा रख दिया है और इसके आसपास मैंने अपने कुछ DIY बनाए हैं जो कि आप मेरे आने वाले वीडियोज़ में देख पाएंगे। उसे मैंने इसके अराउंड रख दिया है। आप यहाँ पर अपने पास जो भी डेकोरेटिव पीसेस रखे हैं या फिर आपको जो भी एसेंशियल्स लगते हैं आप इस कैनोपी के अराउंड रख दीजिए और इस कैनोपी कॉर्नर को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और ब्राइट बना सकते हैं। इसे मैंने फेरी लाइट्स लगा दी हैं और एक कॉर्नर पर मैंने थोड़ी सी और लाइट्स लगा दी हैं रेड कलर की, जिससे कि और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और अंधेरे में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो देखिए इस तरीके से हमने क्रिएट किया है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैनोपी कॉर्नर। इस तरीके का कैनोपी कॉर्नर आप सभी ने इंस्टाग्राम पर या फिर पिंटरेस्ट पर देखा होगा। फ्रेंड्स इसे क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस आपको एक कर्टन लगेगा। अगर आपके पास कर्टन नहीं है तो आप यहाँ पर कोई साड़ी ले सकती हैं, अपना कोई दुपट्टा ले सकती हैं, आप यहाँ पर कोई फ्लोरल प्रिंट का फैब्रिक भी ले सकती हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप कॉर्नर को इजीली क्रिएट कर पाएंगी और इसमें फेरी लाइट्स ज़रूर लगाइएगा। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो फेरी लाइट्स इसमें 4 चांद लगा देती हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं फेरी लाइट्स जब हम इस कैनोपी कॉर्नर में लगाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने ये कैनोपी का सिटिंग कॉर्नर अरेंज किया है, जो कि आई होप कि आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स इस तरीके का कैनोपी सिटिंग कॉर्नर मैंने फर्स्ट टाइम अपने घर पर ट्राई किया है। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। आज के DIY और ये कैनोपी का आइडिया आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आने वाले टाइम में आप मेरे चैनल पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देख पाएंगे। तो इन वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मेरे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।